नंबर 17 देखिए, कह रहा है किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई दी हुई है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालिए। तो पहले हमें उसका किनारा या भुजा पता होना चाहिए, है ना जी। घन का विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5√3 मीटर। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा या √3 गुना किनारा बराबर 5√3। √3 से √3 कट जाएगा, आपका भुजा यहां से कितना आ गया 5 मीटर आ गया, भुजा आपका 5 मीटर आ गया। ए नंबर में कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है आपका, यानी कि 6 गुना 5 मीटर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 छक्का आ जाएगा आपका 150, 150 मीटर स्क्वायर। बी नंबर कह रहा आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन तो क्या होता है घन का आयतन, भुजा का क्यूब या किनारे का क्यूब। तो भुजा कितना दिया है 5 मीटर, 5 मीटर का क्यूब करेंगे तो 125 मीटर क्यूब यहां से आंसर आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18।